सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 14 जनवरी के एक दिन में ही रिलीज होने वाली टॉप 21 वेब सीरीज एंड मूवीज, जिसमें इंडियन ऑडियंस के लिए बने बेस्ट कंटेंट को ऐड किया गया है। और जैसे आपने मेरी हर वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच है आपके लिए। बाकी एक न्यू OTT अपडेट इन्फॉर्मेशन है इंडियंस के लिए। अगर आपके पास Amazon का प्रीमियम मेंबरशिप है तो आपके लिए अच्छी न्यूज है कि आप थोड़े से और पैसे देके बाकी कई OTT चैनल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे Lionsgate Play, हाउस एरोसनाओ और बाकी भी कुछ हैं, जिसके चलते आप Amazon पर ही बाकी प्लेटफॉर्म्स के OTT कंटेंट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको हर बार की तरह Instagram अकाउंट lockdown.entertainment33 पे ही मिल जाऊंगा, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। और अगर जनवरी में रिलीज होने वाली मूवीज एंड वेब सीरीज की कम्प्लीट लिस्ट देखनी है तो इस पे मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी सपोर्ट एंड प्यार के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी डेली अपडेट्स की वीडियोस के साथ तो मैं आता ही रहता हूं। तो 14 जनवरी की लिस्ट काफी बड़ी है, चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 21 पे है लास्ट मंथ और लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में थिएटर्स में रिलीज हुई पैन इंडिया धमाकेदार साउथ इंडियन मूवी पुष्पा, जो 7 जनवरी को Amazon के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, लेकिन हिंदी डब में अभी 14 जनवरी को, मतलब इस फ्राइडे को रिलीज होने जा रही है। और कमेंट्स में बताना उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है और 14 जनवरी को हिंदी में आने के बाद ही देखने वाले हैं। एक बड़ा सल्यूट बनता है उन भाइयों के लिए। नंबर 20 पे है ब्रूस विल्स की हॉलीवुड हिंदी डब सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी आउट ऑफ डेथ, जो वैसे तो जुलाई 2021 में इंग्लिश में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी हिंदी डब में बुक माई शो पे 14 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, जिसमें ब्रूस विल्स के साथ जेमी किंग एंड लाला कैन मेन रोल्स में हैं। तो अगर इस मूवी की कहानी के बारे में बताऊं तो ज्यादा एक्शन तो नहीं, लेकिन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी कह सकते हैं, जिसमें ब्रूस विल्स एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और अपने पुराने घर में छुट्टियां बिताने के लिए गया है, लेकिन वहां की लोकल पुलिस एक ड्रग रैकेट चला रही होती है, जिसमें वहां पे आई एक और लड़की फंस जाती है, तो ब्रूस और उस लड़की को एक साथ मिलके उन करप्ट पुलिस वालों से लड़ना पड़ेगा। बाकी वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, इस मूवी में देखिए, काफी बढ़िया है। नंबर 19 पे है Amazon की फुल कॉमेडी बढ़िया एनिमेशन मूवी होटल ट्रांसवेलिया ट्रांसफॉर्मिनिया, जो 14 जनवरी को Amazon पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में और तमिल तेलुगु में भी रिलीज होने वाली है, जो एक बढ़िया रेकमेंडेड एनिमेशन मूवी है। और इसे बच्चों की कार्टून मूवी समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली मूवी है, जिसका हिंदी ट्रेलर देखकर ही हंसी नहीं रुकती। और साथ में है इसका धांसू BGM, मतलब के बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसमें इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ रीमिक्स का तड़का लगाया गया है। इस बार की इस मूवी की कहानी भी काफी अलग टाइप की होने वाली है, जब भूतिया बंगले में रहने वाले ढेर सारे भूत उनकी एक बचकानी सी गलती की वजह से पावरफुल भूतों से एक नॉर्मल सा इंसान बनने शुरू हो जाते हैं, तो उनको इस कहानी में कोई रास्ता ढूंढना होगा फिर से अपनी भूतिया पावर्स वापस पाने के लिए। देखते हैं क्या क्या पंगे करके हंसाते हैं हमें ये क्यूट वाले भूत। नंबर 18 पे है हुलू ओरिजिनल की इंग्लिश 18+ टीन कॉमेडी पैक्ड मूवी सेक्स अपील। अगर आपको नेटफ्लिक्स की सेक्स एजुकेशन सीरीज बढ़िया लगी थी और हॉलीवुड की एडल्ट कॉमेडी मूवीज जैसे सेक्स ड्राइव या हैंगओवर मूवीज जैसे पसंद आई थी, तो ये एक और उनके लेवल की मूवी आ रही है, जो 14 जनवरी को हुलू ओरिजिनल पे लेकिन ओनली इंग्लिश में ही रिलीज हो रही है। ऑब्वियसली इस टाइप की मूवीज हिंदी डब में थोड़ी ना आती हैं, कुछ आती हैं लेकिन ये नहीं आ रही है, जिसकी कहानी हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की की है, जो अपनी अडल्ट एज में जाते हुए अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एक लेवल और आगे बढ़ाने के लिए सेक्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू करती है, जिसके लिए वो अपने स्कूल फ्रेंड्स की हेल्प लेने की ट्राई करती है। अब कौन उसकी हेल्प करता है और कौन कितने पंगों में फंसाते हुए हमें हंसाते हैं, वो तो हमें कल ही पता चलेगा। ये एक रिकमेंडेड अडल्ट कॉमेडी मूवी है, तो कानों में हेडफोन लगाओ और हंसते हंसते एंजॉय करो इस मूवी को। नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब स्टॉप मोशन एनिमेशन ड्रामा मूवी द हाउस, जिसमें इंसानों और जानवरों की कहानी दिखाई जाएगी स्टॉप मोशन के जरिए, जब इंसानों के एक परिवार को अपना असली घर छोड़ के एक नए घर में मूव होना पड़ता है, जहां पे जानवरों की फैमिली अपना घर पहले ही बसा चुकी होती है, तो अब उस घर में रहने को लेके जंग शुरू होने वाली है कि ये घर इंसानों का है जो अभी नए नए रहने आए हैं यहां पे, जो कितने टाइम से इस घर में अपना रहन बसेरा बनाए हुए हैं। इस कहानी को प्यारे से स्टॉप मोशन वाले सॉफ्ट खिलौनों को मूव करते हुए दिखाया जाएगा इस पूरी मूवी में। असल में देख के हैरानी होती है कि कितनी मेहनत से ऐसी मूवीज बनाई जाती है, एक असल खिलौने से एक्टिंग करवानी होती है। अगर जानने का मन हो तो YouTube पे स्टॉप मोशन बिहाइंड द सीन सर्च कर सकते हैं, सच मानो आप भी देख के हैरान रह जाओगे। नंबर 16 पे है बंगाली फैमिली ड्रामा मूवी एकोन बोर्ती,
जो वैसे तो लास्ट ईयर 19 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 14 जनवरी को होय चोय पे बंगाली में रिलीज होने वाली है। ये एक एवरेज सी मूवी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हमें हिंदी डब होके एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिल जाए, जो अक्सर ही होता आया है बंगाली सीरीज या मूवी के साथ, जिसमें एक फैमिली की कहानी दिखाई जाएगी जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन अभी दुर्गा पूजा के लिए एक ही छत के नीचे इकट्ठे होते हैं बहुत देर बाद, तो उनके जो आपसी मनमुटाव होते हैं कुछ ही देर में एक बड़ा झगड़ा बन के सामने आते हैं जो पूरी फैमिली को तोड़ देता है। अब और क्या ड्रामा होता है इस मूवी में वो आप होय चोय पे देख सकते हैं 14 जनवरी को। नंबर 15 पे है ब्रूस विल्स की एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी अपेक्स, जो 14 जनवरी को लाइन्स गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी में ब्रूस विल्स एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में होने वाले हैं, जिसे एक झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है। फिर जेल में काफी टाइम रहने के बाद उसे एक गेम का ऑफर मिलता है जिसमें पार्ट लेने से उसकी सजा माफ हो सकती है, तो उसके हाँ करने के बाद उसे एक आइलैंड पे भेजा जाता है जहाँ 6 अमीर बंदे अपने मजे के लिए गन्स के साथ उसका शिकार करने में लग जाते हैं, लेकिन हीरो है ब्रूस विल्स तो इतनी आसानी से शिकार तो नहीं बनने वाला, तो इस मूवी का एक्शन और थ्रिल हमें भी थ्रिल से भरने वाला है। कहानी तो पुरानी ही है लेकिन ब्रूस विल्स हैं तो एक्शन तो धांसू टाइप का होने वाला है। नंबर 14 पे है नहीं एक्चुअली थी बाहुबली वाले प्रभास की रोमांटिक पीरियड ड्रामा पैन इंडिया मूवी राधे श्याम, जो 14 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी जर्सी और ट्रिपल आर की तरह ही इसकी रिलीज को भी कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इस मूवी के नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि एक तो ये ज्यादा बड़े बजट वाली मूवी नहीं है, दूसरा लॉकडाउन के चलते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म भी ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे मूवी मेकर्स को। अगर इंडिया के थिएटर्स की सिचुएशन ज्यादा देर तक ऐसे ही रहती है तो कुछ बड़ी मूवीज के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के चांसेस बनते हैं, जिनमें से राधे श्याम भी एक है जो हो सकता है कि फरवरी में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो जाए। नंबर 13 पे है पंजाबी एक्शन थ्रिलर बायोपिक मूवी शूटर, जो वैसे तो 2020 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से थिएटर्स का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी काफी पॉपुलर हो गई थी, जो चल मेरा पुत 2 की तरह ही दोबारा अभी 14 जनवरी को फिर से थिएटर्स में रिलीज की जा रही है। और इस फिल्म का दुर्भाग्य तो देखो, अभी फिर से थिएटर्स की सिचुएशन वैसी ही हो रही है, लेकिन ये मूवी बहुत बढ़िया है, देखने लायक है, जिसमें पंजाब के एक असली गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है जब वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से मजबूर होकर गलत संगत में पड़ने के बाद हथियार उठा लेता है, लेकिन अंत तो बुरा ही होता है। बहुत इमोशनल कहानी है जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। माफ करना, अभी 14 जनवरी की लिस्ट थोड़ी ज्यादा ही बड़ी हो रही है, तो मुझे बाकी की लिस्ट के लिए थोड़ा सा और टाइम दें। तब तक के लिए मुझे कुछ घंटों के लिए इजाजत दें। जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में इस लिस्ट की बाकी रहती मूवीज एंड सीरीज के साथ। बाकी अगर और कोई सवाल हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।